इस मेथड से बेसिकली हम स्क्वायर रूट नंबर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर मालूम होने चाहिए। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर जो 1 है वो देखते हैं। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 6889। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसे अंडर रूट के फॉर्म में लिख लेंगे 6889। अब इनका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ये टू टू डिजिट के पेयर बना लेंगे। 89 का पेयर बन जाएगा और ये 68 का पेयर बन गया। अब देखना, ये जो फर्स्ट पेयर बना है इनका यूनिट प्लेस 9 है। तो अब देखेंगे किस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 9 के इक्वल आएगा या उसमें 9 आना चाहिए। तो देखिए, एक 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और एक करेंगे 7 स्क्वायर 49, यहाँ पे और भी एक 9 आ रहा है। तो क्या करना, 3 के स्क्वायर में आ रहा है तो यहाँ पे एक 3 लिख लेंगे और 7 के स्क्वायर में आ रहा है तो एक यहाँ पे साइड में 7 लिख लेंगे। अब हमारा ये जो सेकेंड पेयर है 68, अब हम इसको देखेंगे कि वो किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्लोज में है। तो 68 जो है वो हमारे 8 स्क्वायर मीन्स 64 के क्लोज में है। तो एक 8 आप यहाँ लिखना 3 के साथ और एक 8 इस 7 के साथ। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर लिखे रहेंगे 8 लिखे हैं तो इसका सक्सेसर जो भी नंबर रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 का सक्सेसर 9 होगा और ये हो जाएगा 8 9 72। अब 68 को कंपेयर करेंगे 72 से, 68 72 से बिगर होगा तो बिगर नंबर के साथ आंसर लेंगे, 68 72 से स्मॉलर होगा तो हम स्मॉलर नंबर के साथ जाएंगे। तो देखिए 68 जो है वो 72 से स्मॉलर है इसलिए हम 83 के साथ जाएंगे, इसलिए हमारा रूट 6889। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। तो देखिए इसका भी अपन क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे 2 2 का। अब देखेंगे ये जो हमारा पेयर बना है 2 4, यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 किस नंबर के स्क्वायर करने पे 4 आएगा, एक तो आएगा 2 के में, 2 का स्क्वायर 4, और एक आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तब 64, 4 आ रहा वहाँ पर भी, तो हम यहाँ पे एक 2 लिख लिए और एक लिखेंगे यहाँ पे 8। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 10 का देखेंगे कि वो किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्लोज में है। तो ये जो 10 है वो हमारा सबसे क्लोज में है 3 स्क्वायर का क्या है 9, हम 4 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वैसे नंबर का हम कंपेयर करेंगे जो इस नंबर से बिगर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे 4 स्क्वायर लेते तो 16 आता जो कि 10 से बिगर हो जाता, अपने को 10 के इक्वल या 10 से लेस देन नंबर लेना रहेगा, तो हम इसलिए हम 3 का स्क्वायर लेंगे। तो एक 3 इस 2 के साथ लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे इस 8 के साथ। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखे रहेंगे उसका सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का सक्सेसर हो जाएगा 4, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12। अब कंपेयर करेंगे, 10 जो है वो 12 से स्मॉलर है, हाँ इसलिए हम स्मॉल नंबर के साथ जाएंगे, तो इसलिए हमारा रूट 1024 का आंसर आ जाएगा 30।